हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे, मैं जो सोलापुर का जो कंपनी में आया हूँ, उसी कंपनी में जैसे आपको उजान टोस्ट बोल सकते हो, माखन टोस्ट बोल सकते हो, चाहे आप स्पेशल टोस्ट बोल सकते हो, ये जो कंपनी है किस तरह अपना टोस्ट बनाता है, मैं आपको इस वीडियो में टोटल दिखाऊँगा। कम जगह के अंदर, मतलब इतना कम जगह में 700 से लेके 800 किलो तक काम ये किस तरह करता है। और तो और, सुबह से लेके शाम तक जितना भी टोस्ट बनता है, सारे के सारे शाम को ये लोडिंग हो जाता है, इसका पास एक पीस भी माल नहीं रहता। आज का डेट में मतलब टोस्ट का जो मार्केट है सबसे ठंडा है, मतलब सबसे कम चल रहा है, सबका मार्केट डाउन है अभी, फिर भी इनका पास इतना काम क्यों है? क्योंकि सोलापुर का अंदर सबसे टॉप जो मतलब टोस्ट बनता है तो इसी कंपनी में बनता है, और कंपनी का नाम है सोलापुर बेकर्स। तो चलो मैं आपको प्लान में लेके जाएंगे, और किस तरह इस प्लान में काम होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और इतना छोटा जगह है, आप देख के भी हैरान हो जाओगे कि किस तरह इतना छोटा जगह में 800 किलो काम को लारी करता है। क्योंकि इनका एक आदत है, मतलब कम मार्जिन करके, कम प्रॉफिट करके लोगों को एक अच्छा क्वालिटी दे रहा है, इसलिए इनका मार्केट में माल जो है इतना डिमांड है। तो आप लोगों में एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, शुरुआत में आप लोग ज़्यादा पैसा कमाने का चक्कर में मत जाइए, अब शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी में ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रोडक्ट का ऊपर फोकस कीजिए। तो चलो मैं आपको प्लांट ले जाके दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पर टोस्ट बनता है। यहाँ से होता है मिक्सर स्टार्ट, मिक्सर में अभी मैदा डाला हुआ है, इसके बाद बाकी जो रॉ मटेरियल है वो सब डाला जाएगा, सारे के सारे जो कुछ जो ज़रूरत होता है मशीन करने के लिए सब कुछ यहाँ पे डाला गया है। मैं यहाँ का क्या रेसिपी है ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों ये पर्सनल चीज़ है, यहाँ पे जो मतलब ठेकेदार काम करता है उसी को भी नहीं पता कि इस मिक्सचर में क्या क्या डाला जाता है। इन लोगों का खुद का मतलब मिक्सिंग का करने का जो आदमी है, इन लोगों का कंपनी का खुद का आदमी है। ये भाई का देखो, बाहुबली का जैसा ये काम करता है, मतलब चलती हुआ मशीन में एक किस तरह खमीर को निकालता है, आप स्टेप बाय स्टेप देख लो। आप जितना भी आसान समझता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि चलते हुआ मशीन में खामी निकालना बहुत दिक्कत होता है, कभी कभी मान लो आपका हाथ भी घुस सकता है, आपका हाथ भी काट सकता है। लेकिन ये भाई तो बाहुबली का जैसा ये मतलब मशीन बंद नहीं करता, मशीन चलता रहेगा और उसी तरह वो अपना खामीर को वो उठाता रहेगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप काम होता है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मशीन में काम होता है, स्पाइलर मशीन में काम नहीं होता, बहुत सारे लोग यही कहता है स्पाइलर मशीन में इतना अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पाइलर मिक्सचर में भी यही काम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्योंकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। देखिए यहाँ पे स्पाइलर मिक्सचर में भी काम हो रहा है, स्पाइलर मिक्सचर में भी खमीर बनता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको मतलब स्लो मिक्सचर का जरूरत है, स्पाइलर मिक्सचर में नहीं होगा। देखिए हर मिक्सचर में होता है, थोड़ा बहुत मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो अभी ले जाएगा जहाँ पे माल को काट रहा है, देखिए यहाँ पे मतलब खमीर काट रहा है, इनका पास है मोल्डिंग मशीन, इसलिए मोल्डिंग मशीन में ये काम हो रहा है। देखिए आपके पास मोल्डिंग मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये काम आप अपना आसानी से हाथ से बलाई कर सकते हो, हाथ से काट सकते हो, आपको मशीन का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मशीन है इसलिए ये लोग मशीन में काम कर रहा, ना तो मशीन का कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ना तो आपको पास स्पाइलर मिक्सचर है, आप स्पाइलर मिक्सचर में भी काम कर सकते हो। इस काम के लिए आपको अलग से कोई मिक्सचर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपका पास काम ज़्यादा होगा तो आप अलग मिक्सचर लेने के लिए सोच सकते हो। तो आप देख रहा है इनका प्लान में कितना कम जगह है, कितना छोटा जगह है, फिर भी मतलब छोटा जगह के अंदर किस तरह ये काम कर रहा है। ये जो टोपी माथा दे के जो आदमी को देख रहा है, ये फैक्ट्री का मतलब ऑनर है, इसको मतलब ऐसा ऑनर है, ऐसा कंपनी का मालिक है जो इनको सभी काम आता है। आप मिक्सचर करा लो, पेचाई करा लो, माल दबा लो, ये है इस कंपनी का ठेकेदार, नया नया आया है, ये भी बंगाली है, हमारा उधर का ये आदमी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी का साथ माल को
बनाया जाता है। हर प्रोडक्ट आप 10 रुपया का टोस्ट बोलो, चाहे बटर टोस्ट बोलो, चाहे माखन टोस्ट बोलो, पिस्ता टोस्ट बोलिए, चाहे आप उजान टोस्ट बोलिए, मतलब जो बोलता है सब आइटम का रक्स यहाँ पे बनता है, टोस्ट यहाँ पे बनता है अच्छा क्वालिटी का साथ। और मैंने यहाँ पे टोस्ट खा के भी देखा है, बहुत टेस्टी है, बहुत खाने में अच्छा लगता है, बहुत खस्ता भी है। तो इस तरह कम जगह में 700 से लेके 800 किलो काम रेगुलरली यहाँ पे होता है। तो ये जो मतलब टोस्ट है, सिर्फ बेल लाई करके पत्ता में रख दे रहा, इसमें क्या होता है आपको दबाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मक्खन टोस्ट है ये लोग पत्ता में रखता है 3 पीस करके, और जो बटर पिस्ता जो टोस्ट है वो करता है 4 पीस करके, क्योंकि वो थोड़ा मतलब छोटा होता है। यहाँ पे देखिए माल का मतलब अभी भाटी में जाने का तो जैसा मतलब हो गया है, अभी का अभी भाटी में जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा आप उठाओगे, ज़्यादा फुलाओगे तो नीचे खड्डा आ जाएगा। अभी ये माल भाटी में डाल रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कितना सारे स्टेप बाय स्टेप सब भर के रखा है, आपको दिखाई दे रहा है ये सब माल भर के रखा है। एक एक गाड़ी में 50 किलो करके है, एक ट्रॉली गया भट्टी में, इधर अभी खड़ा है 5 तो 6 है, और इधर अभी है 3, तो 9 ट्रॉली अभी भरा हुआ है। अभी फिर भी उधर पीछे काम चल रहा है। ये दोनों जो भाई को देख रहे टूपी माला दे के, ये दोनों मतलब इस फैक्ट्री का ओनर है। तो ये लोग शुरुआत से अपना मतलब क्वालिटी को बहुत अच्छा से मेंटेन किया है, कम पैसा कमा के अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अच्छा क्वालिटी बनाया। आप भी इस तरह अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, अपना क्वालिटी बना सकते हो। थोड़ा क्वालिटी का ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, और शुरुआत से आप पैसा कमाने के चक्कर में रहोगे तो आपको काफ़ी सारा दिक्कत होगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहोगे तो अच्छा क्वालिटी आप दे नहीं सकोगे। यहाँ पे पत्ता में सजाया जा रहा है माल को, एक एक करके पत्ता में सजाने के बाद फिर ये जाएगा सेकेंड ड्राई होने के लिए। सेकेंड ड्राई होने के लिए इनको थोड़ा कम टेम्परेचर रखना होगा, और भी मैं आगे ले जाके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपया का टोस्ट भी बहुत सारे बनता है। यहाँ पे टोस्ट का कोई नाम नहीं है, टोस्ट का कोई लेबल नहीं है, टोस्ट का मतलब कोई ब्रांड नहीं है, फिर भी 700-800 किलो माल मतलब सुबह से शाम को जितना माल बनता है उतना माल शाम को लोडिंग होकर चला जाता है। व्हाइट पीपी में सादा प्लास्टिक में भर के देता है, वही माल चला जाता है। और जो मतलब स्पेशल माल है उसको सिर्फ कार्टून में डाल देता है 6 किलो करके, और वो 6 किलो हिसाब से मतलब कार्टून में डाला जाता है, और वही हिसाब से मार्केट में वो सेल होता है। तो यहाँ पे आगे जाके आपको और भी दिखाऊंगा 10 रुपया वाला टोस्ट को किस तरह पैकेट होता है, किस तरह पैकेट किया जाता है। बहुत सारे फैक्ट्री में 10 रुपया टोस्ट को मतलब पैकेट करने के लिए मशीन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, कोई मतलब प्रिंटेड पीपी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, सादा प्लास्टिक में भर के ये लोग कितना अच्छा से अपना बिजनेस को कर रहा है। तो आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह बेकारी का रिलेटिव वीडियो आपको रेगुलरली देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आप जरूर कर देना। खुदा हाफिज़।